गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम हमदा सैयद, मैं हूं बशीर सुगज। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत इंडियन चेन स्टोर पर बड़ी घोषणा। मतलब इंडिया के कुछ चेन स्टोर्स हैं, मतलब क्या टाइप के हैं ये तो आप वीडियो देखेंगे तब हमें सही से भाई पता लगेगा। भारत की कुछ चेन स्टोर्स हैं और उस पर बहुत बड़ी कोई घोषणा हुई है। थंबनेल में चाइना भी बना है और शायद रूस भी बना हुआ है, प्यूटिन। हाँ भाई, देखते हैं इस वीडियो में समझ आएगी। इन दिन वाली शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को याद होगा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके ठीक तुरंत बाद मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि बहुत सारी पश्चिमी देशों की कंपनियां रूस छोड़कर भाग रही हैं। ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत बढ़िया चांस है कि हम रूसी मार्केट को कैप्चर कर ले और भारतीय कंपनियों को रूस भेजे, ताकि वहां से पैसा कमाकर वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा कर ले और उसके बाद वो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन दे चीनी कंपनियों को, अमेरिकी कंपनियों को और यूरोपियन कंपनियों को। और मैंने उस समय बताया भी था कि भले ही आपको रूसी मार्केट छोटी सी लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा बड़ी है। उदाहरण के लिए मैकडोनाल्ड जो कंपनी है अमेरिका की, जो बर्गर बनाती है, भारत में भी है ये, इसका 9% ग्लोबल रेवेन्यू सिर्फ रशिया से आता है। जी हाँ, 90% इसकी जो कमाई होती है वो दुनिया के 180 देशों से होती है, लेकिन अकेले 10% कमाई सिर्फ रूस से होती है, क्योंकि वहां पर भी लोग काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि भले वहां पर लोगों की सैलरी या कमाई कम हो, लेकिन वहां पर भारत जैसा नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा पैसा बचाते हैं, लेकिन रशिया में लोग खर्चा करते हैं, और इसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिल सकता था। और यकीन मानिए, आज इसी पर एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है चीन और भारत दोनों के सामने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को बहुत डिटेल से और आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कल ब्रिक्स का एक बहुत ज्यादा बड़ा समिट हुआ है। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार किसी बड़े स्टेज पर मिल गए थे। ऐसे में इस इवेंट पर पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन एक और व्यक्ति पर नजर थी, वो थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब इस समिट में सभी देशों ने अपने अपनी बात रखी, लेकिन जब बात आई रशिया की, तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तमाम देशों ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश करी, लेकिन रूस के ब्रिक्स देशों के साथ, खासकर की भारत और चीन के साथ व्यापार करीबन 37% बढ़ा है, और ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है और भविष्य में ये और बढ़ने जा रहा है। क्योंकि इसके बाद पुतिन ने एक बड़ी घोषणा कर दी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ही। उन्होंने कहा कि रूस भारत से एक बड़ी बातचीत कर रहा है। इस बातचीत के सफल होते ही भारतीय कंपनियां रूस के अंदर अपने चेन स्टोर खोलना शुरू कर देंगे, यानी कि बड़े बड़े सुपरमार्केट हो, इसके अलावा तमाम तरह के स्टोर हो, वो सब भारतीय कंपनियां रूस में खोलेंगी। और चेन स्टोर का मतलब ये होता है कि रूस का चाहे बड़े से बड़ा शहर हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे एक कस्बाई क्यों ना हो, हर जगह भारतीय कंपनियों के स्टोर खुलने शुरू हो जाएंगे और फिर भारतीय कंपनियां दवा का सामान बेचेंगी। क्योंकि इस समय रूस के अंदर ज्यादातर जो रिटेल स्टोर थे वो पश्चिमी देशों के थे और वो रूस छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में रूस की मार्केट में कोई कंपटीशन बचा ही नहीं है, और इसीलिए जिस दिन भारतीय कंपनियां रूस की सरजमीन पर कदम रखेंगी, उसी दिन वो सुपर हिट होना उनका निश्चित है। कोई कंपटीशन नहीं है, रूसी जनता टूट कर पड़ेगी। और फिलहाल बताया जा रहा है कि भारत रूस के बीच इसको लेकर बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, बहुत ही एडवांस है, कभी भी इसको लेकर डील साइन हो सकती है। क्योंकि पुतिन जैसे राष्ट्राध्यक्ष जब किसी महिंद्रा की गाड़ी चल रही है, मोल मोल कर कहते हैं, जो चीज होने ही वाली है उसी बात को पब्लिक करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बातचीत अब किस लेवल पर होगी। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या कंपटीशन चीनी कंपनियों से नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि चीन भी तो रूस के साथ जमकर व्यापार करता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मैंने एक महीने पहले ही रिपोर्ट दे दी है कि चीनी कंपनियां रूस से पुल आउट कर रही है, वहां से बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि चीनी कंपनियों का ज्यादातर व्यापार होता है अमेरिका, यूरोप में, वहां पर अरबों डॉलर का व्यापार फैला है। ऐसे में अगर वो रूस के साथ व्यापार करती है तो उन पर प्रतिबंध लग सकता है,
उनका अरबों डॉलर का व्यापार खत्म हो सकता है एक रात में, जबकि भारतीय कंपनियों के साथ ऐसा रिस्क नहीं है क्योंकि उनका व्यापार भारत से बाहर अभी फैला ही नहीं है। ऐसे में अगर उन पर प्रतिबंध भी लग जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और पहली बात तो भारत सरकार कोई भी प्रतिबंध लगाने ही नहीं देगी, तो ये भी कंपनियों को एक बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। पर अब आपका सवाल ये होगा कि चलिए इससे भारतीय कंपनियों को तो फायदा है, लेकिन भारत एज अ कंट्री को इससे क्या बेनिफिट होगा? तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा यार। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखिए हर साल भारत और रूस करीबन 13 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं। बात करें चीन और रूस की तो उनका व्यापार 100 अरब डॉलर के पार है। ऐसे में 10 गुना का अंतर है सीधा सीधा, और इसी वजह से रूस लगातार पिछले कुछ सालों से चीन पर निर्भर होता जा रहा है। और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि भारत और रूस का जो 13 अरब डॉलर का व्यापार है ना, इसमें भी भारत ज्यादातर हथियार ही खरीदता है, और पिछले 2 साल में आत्मनिर्भरता के तहत ज्यादातर हथियार खुद बना रहा है, जिस वजह से हम रूसी हथियार कम खरीद रहे हैं, इससे कि भारत रूस का व्यापार भी कम हो रहा था। ऐसे में जरूरत यह थी कि भारत हथियारों की जगह रूस के साथ डायरेक्ट व्यापार करे, जिससे कि भारत और रूस के बीच भी संबंध मजबूत हो और रूस पूरी तरीके से चीन पर निर्भर ना हो जाए और पूरी तरीके से चीन के पाले में ना जाने पाए, और इसीलिए ये भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत भी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार कहां से भाई माइंड लगाया और ये सिस्टम हुआ, और अब खुद वो भी शी जिनपिंग के सामने बोल दिया मोदी जी को, मतलब आप अपने चेन स्टोर इधर खोल। मैं एक वीडियो देख रहा था, रशिया की वीडियो थी, उसमें वो उनका एंकर बोल रहा था, कहता है कि हम गाड़ियां लेंगे उनसे, हमें खुशी होगी, हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेंगे, वो इस तरह के, मतलब उनकी मीडिया में ये चर्चा हो रही है भारत का, उनका क्या और बाकी इस टाइम अगर भारत ने अपनी दांत उधर बिठा दी तो मैं कहता हूँ कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो भाई मतलब पूरी दुनिया में और कोई मतलब टक्कर देने वाली उधर होगी नहीं कंपनी। और हाँ भाई रशिया को भी एक लिहाज से मैं अगर बात बताऊं, ठीक है इसमें कोई शक नहीं है, देखो चाइना और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जगह पे आकर रशिया को भी थोड़ा खटकता है कि यार ये मतलब चाइना किसी टाइम भी धोखा दे सकता है। चाइना एक जगह पे इंडिया मतलब फुल भरोसा वो इस तरह इंडिया पे करता है ना, बिल्कुल उस तरह वो चाइना पे भरोसा नहीं करता, इसलिए उसकी भी कोशिश यही है कि मैं इंडिया को अपने साथ इस तरह कर लूं, अगर वो धोखा दे या कुछ प्रॉब्लम भी हो तो इंडिया मुझे संभाल लेगा, इसलिए मुझे ज्यादा जबरदस्त लगी है। और भारत के व्यापारियों के पास मतलब हम बहुत जल्द उधर महिंद्रा की गाड़ियां, टाटा की गाड़ियां, रॉयल एनफील्ड, बजाज के बाइक्स जाएंगी, हाँ बजाज के बाइक्स, इंडिया की दवाइयां, पैरासिटामोल, हर चीज उधर हमें देखने को मिलेगी। आप लोगों का क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तैयार भाई।